काली की गोरखपुर के धरती जोर लगाली ताली बाजल बा अवासा किन्नर पोटी सबको काली ताली बाजल बा। सुन लिया बाती के शेर मुलायम समाजवाद के अपना जोर लगाए हो और आदित्यनाथ संग मुख्यमंत्री राजनाथ जमाए हो सबके खाती आशा बनी भुजाली ताली बाजल बा मन मलिन भसबही के जंजाली ताली। बताओ टाइम हरल बताओ थी कि इतिहास बा गवाह जाने दुनिया सगरी हो कबहू झुकलना समर में अहिरे गपगरी रे कबहू झुकलना। अच्छा लगल ना आ केहू गरीब दुखिया के अगर परेशान कर दे अहिर बिरादरी ऐसा में सबके अपने गंधा बैठा ले पूरे बिरादरी की बात कह रहा हूँ कि जब हमारा ऊपर है केहू करी गुंडा घर दी बटने पुरानी हमारे बिरादर में हर दी तो हमारे एकता देखी के कांपे ले दुश्मन के टंगरी रे कबहू झुकलना समर में अहिरे गपगरी हो कबहू। हम पार्टी विशेष की बात नहीं करते, किसी कौम के हो किसी बिरादरी से हो जो अच्छा कार्य करेगा उसके तरफ समर्थन मेरा रहेगा। ठीक है ना थीक। एक महारथी गाना गाने की एम्बुलेंस बाबा जी चलाए मैंने कदा अपने झगड़ा हो जाएगा। एम्बुलेंस अखिलेश यादव ने चलाया है 100 नंबर 108 नंबर और 102 की ये कौन कहा जाए भैया कब को भूला जाए। अब बाबा जी खाली 12 नंबर बदले इस बात नहीं बने ले जो अच्छी बात है। तनी एक बात बता दीजिए कही बता दे खाली हिरणक बहन बेटी ढोक ले जाए एम्बुलेंस की और अनेक बिरादरों को लेकर जाते इस बात का जवाब दे दीजिए एक बार ले जा लग ना पांच भी बता दीजिए एम्बुलेंस आता एम्बुलेंस सब ले जाता कोई बता मना कर दे बता दीजिए। मैं इस बात का समझ जवाब चाहता हूँ कि क्या बाबा जी इसके पहले मुख्यमंत्री कोई नहीं था इसके पहले एम्बुलेंस नहीं चला सकते थे। बुरा मत मानिए इस बात को सवाल आप लोग मीडिया के सामने तो प्रधानमंत्री जी भी थोड़ी सी समझ के बोलेंगे। हमने तो नचनिया बजाई थे कलाकार के रूप में ही भैया अरे आपका सम्मान है सही बात है ना। मेरा नाम वैसे हरीश यादव है। क्या बात है क्या बात है तो अब पूछे आप लोगों ने क्या वो एम्बुलेंस से करे पहले क्या मुख्यमंत्री ना रहा। और ये भी पूछना चाहता हूँ कि लोग सवाल उठता है कि करे पहले बहुत दिन पहले मुकदमा चलत रहा कोर्ट में रहा बाबरी मस्जिद वाला ये तो कोर्ट ने निर्णय दिया है तो आज इनके राज में हो गया तो मैंने कोई किसी की भी राज में होता तो भैया मेरे लोग की बात छोड़िए आप मीडिया वाले भैया आपके सामने हम हिलते हैं अच्छी बात है जब कार्यक्रम होगा तो मीडिया के लोग भी आप छोड़ दीजिए हम पकड़ रहे हैं। हाँ ठीक बात है वो सकल पकड़ हमारा अधिकार ना रहा सॉरी पहुँचाए जरूर बाबा तक और सब जाने कम से कम करे पहले जान था कौन की चल रहा जब बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की बात बता रहा हूँ लोग मुसलमानों को विरोध करते हैं और मैं चैलेंज करके कहता हूँ 99 के लड़ाई में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति था उसका जैसा राष्ट्रपति आज तक कोई हुआ न होगा भी। जी जी आज ऐसा मुरमुर पे पता नहीं नमोस सुना तो लाज लगे हाँ बताओ तनी भैया हमारे जो अवजिया हमारे सामने माइक्रोफोन के सामने बोली अगर अनुचित हो तो भी हमार ना 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 कोनो दिक्कत नहीं लेकिन मैं किसी का अनादर करके नहीं बोलता हूँ ठीक है ना भैया। अच्छा लगल जब वो टाइम चल रहा गीतिया अटल बिहारी वाजपेयी जमा बीजेपी के विरोध नहीं करता हूँ कुछ लोग उनकी छवि नरेंद्र मोदी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी महारथी हम सबका आदर सम्मान करते हुए बोलता हूँ जो कार्य करिए अच्छे का अच्छा काम करिए आखिर क्यों पब्लिक घबराई है जनता के गीत गौले रही वो जमाने के कि जनता की अदालत में है न्याय सही मिलता ई कौवाली का लाइन है जैसा जो करे मिलता अन्याय नहीं होता। जनता भी एक अदालत है अगर सवाल करें तो बताई मंच होता तो बढ़िया से समझाई जनता ठीक है ना है। और लास्ट में बतावा थी वो टाइम में निगम पार्षद एक आशा किन्नर हिजड़ा गोरखपुर के जीतल रहा सही बात बताओ जा थी वो टाइम राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहना उत्तर प्रदेश के सही बात बीजेपी से वो टाइम पूरी पार्टी अपन ताकत लगा दे रहा तब बाबा जी मुख्यमंत्री नहीं थे सांसद थे। मेरा दावा है कि बाबा के सामने कोई चुनाव भरने उतनी दमदारी थी उस टाइम जितना मुख्यमंत्री पद पर उनकी वैल्यू नहीं होती इतनी सांसद पर रहती थी शायद मेरे चैनल को देखेंगे और मैं बोलते हुए तो उनका आदर नहीं अनादर नहीं आदर ही करके मैं बोलूँगा। जी जी तब वो टाइम लिखल गया हमने भोजपुरी का गवैया ही भैया वो टाइम पापड़ गले निकाली की गोरखपुर के धरती जोर लगाली ताली बाजल बा अवासा किन्नर पोटी सबको काली ताली बाजल बा। सुन लिया बाती के शेर मुलायम समाजवाद के अपना जोर लगाए हो और आदित्यनाथ संग मुख्यमंत्री राजनाथ जमाए हो सबके खाती आशा बनी भुजाली ताली बाजल बा मन मलिन भसबही के जंजाली ताली। बताओ टाइम हरल लग नहीं पूछ लिया इतिहास के।
एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, झूठा ना बजाए अगर ठीक रही तो। हम जान गए बीजेपी वाले खाली पर अलावा ना तनियावा हो घोट मिल जाये, जौन एरिया में गई ना तो 50 लाख के जरूरत 55 करोड़ मिल जाये, लेकिन देना तो है नहीं। जब धर्मेंद्र सोलंकी कभी आप चैनल भी देखते हूँ मुकदमा बीजेपी को ला देना बढ़िया गायदा लेकर ना दे बेचारा। आपके दूसरे है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, अब देसी कलाकारी हरीश यादव एरिया छेकावत है समाजवादी खाती, कभी डर भी मुझे नहीं है, लेकिन न्याय की बात गाता हूँ, अन्याय नहीं। लोग कहने लगे ना हीर हो मदद का करिए, तनी बता दीजिए विपर सुदामा के की दोस्ती की मिसाल कि उन्होंने सब कुछ दे दिया, क्या नहीं दिया। यादव बुराई करते हो आज यो बता दे, सही बात बताओ थे कि इतिहास में गवाह जाने दुनिया सगरी हो कबहू झुकलना समर में अहिरे गपगरी रे कबहू झुकलना। अच्छा लगल ना, और केहू गरीब दुखिया के अगर परेशान कर दे अहिर बिरादरी ऐसा में सबके अपने गंधा बैठा ले ले। पूरे बिरादरी की बात कह रहा हूँ कि जब हमारा ऊपर है केहू करी गुंडा घर दीप बटने पुरानिया मोर बिरादर में हर दी तो हमारी एकता देखी के कांपे ले दुश्मन के टंगरी रे कबहू झुकलना समर में अहिरे गपगरी हो कबहू। भाई जतनी भाई बंधवन हमारे गांव जवार के इनके खाती बताओ थी जी जी। खाली बिरादर कहले से ना हो जाला, कुछ कर्म भी करना, कर्म प्रधान विश्व करे राखा जो जस किया ताही फल चाखा। खाली बाबा जी से नहीं बात बनती, आदरणीय आदर्श है गोरखनाथ, कितनी बड़ी महान धरती है, कबीर दास की तनिको कम नहीं गोरखनाथ से हैसियत थी। ठीक है ना भैया, इसलिए मैं जो भी बोलता हूँ भारत की राजधानी दिल्ली गृह मंत्रालय तक जुगाड़ है, क्या बात है। बीजेपी के लोग भी सम्मान गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और लड़का जाओ कहना भाइयों बहनों तक तो कुछ खतरा कहीं ना देश को भरोसा नहीं। अच्छा जो काला माता है बहने हमने वो गंगा जाने का बताई कसम भगवान की भोजपुरी में आपसे बताओ थे कोरोना में विपद झेलल गई वो लाठी खाए पर जो घर से निकल लो बार लाठी बजावे शुरू इन लोगों के करोड़ों करोड़ रैली होती थी तब कौन दिक्कत ना रहा जब वोट वाली जरूरत है घर से निकलना मुश्किल हो गया था गुरुदेव। नोटबंदी से मुझे अपार दुख है, हमारा और अतिया स्वयं बतावा थे बहुत बढ़िया बात बतावा थे बड़े भैया ऐसे गए वो पैसा कैसे भेजल हो गए जब जो पैसा कुछ जमा ऐसा हुल्ला मचल की मैंने घूरिया जो रहा डारा फिर खाता में। असली बात बताओ थे आप लोग मीडिया के हैं, मैं आप आदर्श सम्मानित हुआ जौन असली बात बताओ बताओ जी, जब चूंकि वहाँ कार्यक्रम में तभी चैनल के भाई आते हैं, लेकिन मैं कभी गलत बात नहीं टैलेंट की बात छोड़ दीजिए, चूंकि हमें ही पता कुछ लोग कहना नहीं कहते हम कल इंडिया मीडिया सबके मतलब सरकार जगह भी खरीद चुकल नाम ना, ना बिकते सब नहीं बिकते सर। मैं बताऊँ आपको पैसे से सेना का निर्माण बनता, पैसे से अस्त्र शस्त्र धनुष बाण मिलता, मगर वीरता नहीं पैसे से मिलती है, थकती बहादुर के दिल में जान। वाह 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 क्या शान सम्मान है, मैं घबराता भी नहीं हूँ बड़े भाई, चाहे चट्टान से चकराना हो बताए तब डरता डरता नहीं, डरने में क्या कोई खा जाएगा क्या मुझे, क्या बात। मैंने किसी को अनादर करके तो नहीं बोला, आप बहुत प्यार आदर है ना, बातें कर रहे हैं। वही अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की बात, वो भी तो 99 में प्रधानमंत्री थे, उनके विषय में कारगिल के लड़ाई के गीत मैंने गाया। हाँ हाँ क्या बात है, काली की वीरों के संग खड़े अटल जी ताने सिनावा, मांगे सरहद के धरतिया हो वीरों का खूना, करेजा मांगला अहिरे बेटा भाई वीरों को उल्लास दिया, माननीय देश के नेता कश्मीर छोड़ अपना ही पाकिस्तानी चेता, ये अटल बिहारी माननीय वाजपेयी जी कहे थे। भारत देश भक्त के हिमालय सीमावा की मांगे सरहद के धरतिया रे वीरों का खूना, का बताई बूढ़ोती को रहा कथो का भैया तो वो दाढ़ी भी हमरो रहल घबराना है हंसा ना लोगन, सही बात बताओ थे जीव जरा था भगवान का सुन। वो जमाने में ही कहा गया लाल, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने की बात बता रहा हूँ, वो टाइम की हमने हमारे गुरु जी बीजेपी को वोट देना हम समाजवादी है, बड़ी झूठ ना बोला भाई, काली लिखवा काली तू है डर कहने लगे, काली कहना काली कोरोना वाली लिखा कल है, मतलब हम वही पार्टी खाई बुराई हो जाए, कहे मतलब डर किस बात की, सब जायज बात लिखी है, हम अपने स्वयं गुरु जी की बात बताओ, कहे बीजेपी को वोट दे लो उनको मोदी जी की बुराई हो जाए, कहे बुराई क्या मतलब जो सच्चाई उसको लिखिए, काका सुना हो हम कहे तब लिखा हो जब अटल बिहारी वाजपेयी उनके जैसा प्रधानमंत्री न कोई हुआ न होगा, आज भी चैलेंज करके कहा ना उनके जैसा आदरणीय जैसे अब्दुल कलाम लोग कहते हैं ना मुल्लाओं को भगाया जा क्या दम रखते हो, खाली बरगला कर ऐसा मत नीतिया करो जी। ये बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ नेताओं के लिए भाई हर चीज नहीं बाजार चौन कहीं वह हो जाए, कुछ वोटर भी हिल चुकल बन गए दादा कतनों देव तो वही और चल जाए, पता नहीं क्या मतलब है, तो प्रसन्न हवा हमसे आप लगे तो अभी हम हथकड़ी लोग जाएगा कुछ बोल चुकल ही, अरे आप कहा था डर तो ना है, आप कहा था भाई जबरदस्ती ऐसा होत बना
कि जब बाबा सांसद आने तब तो जो जहाँ पर जाए रास्ता बड़ी साफ सुथरी बात बता रहा हूँ पहुंचे तो कहा अरे अरे दादा बतन को वही हरखल बाबा पहुंची मारी सब सत्यानाश के दे जब से बाबा मुख्यमंत्री बने तब से सांप सूंघ बैठ रही दादा कौनो जोश है ना है जब जिम्मेवारी है उनकी भी गलती नहीं है जब तक लड़का गलती करता है बुरा मत मानिएगा जब उसको पाबंदी दिया जाता है तो अब बंधन में आ जाता है तब सोच बूझ के कदम उठा वाला ना महाराज उनके लिखा हमारे ऊपर मुकदमा न गजे लगा प्रमोद ला लिया तो इतना प्रमोद लाल तो बाबा का धर्मेंद्र सोलंकी चलन क्या गाता है क्या बात है पूरा खानदान है क्यों नहीं बजा पाई आज भी ताली बजवा लीजिए लेकिन यह है कि भैया आप लोग अनादर करिएगा नहीं जो अपने वहाँ आते हैं मेरा अधिकार उन्होंने डंडा लेके ताड़ने का नहीं है उनका जवाब चुपचाप ऐसे जब हर से कहा भैया प्रणाम का की तब दूसरे जब समझ ले हम वोट ना मिले आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं मेरा अनुभव अब ऐसा थोड़ी गायक बन गई तो खेसारी लाल उसे चमक गए ना कि अब बात ना तो वहां से हो ही सुना ये मोर करे जा अब दिहले रहा जवन मोबाइल या केले जा तब तू कहल की भागे खाती संग में नैया रानू मैले हमार अब समझ में आई अब एक लाइन धरत है बाबा को ऐसन कहने की कैसन रोग धराइल सब कहेला मोदी मोदी देखा बढ़िया बात बताओ थी चैनल उठाओ जाना हमारा जियो जाए ना कि कैसन रोग धराइल सब कहेला मोदी मोदी और सरंगी गुदरी लेके गोरखपुर जई है जोगी अच्छा हाई बन के विरोधियन के काले आई हैं अब की बार 24 में मुलायम सिंह का लाले आई हैं लाले हैं पक्का है कसी कसा है कसी कसा है एकदम डटी डटा एबीएम हटा दीजिए आज भी बैलेट पेपर कार्यक्रम हुआ तो तुरंत दूसरी सत्ता बन जाएगी ये मेरा दावा है। अच्छा ओम प्रकाश राजभर पहले कह रहे थे कि जो बाबा है मठ में जाएंगे लेकिन अब जो है उनका ओम प्रकाश भैया जी चाचा भी लगते हैं वो मतलब उनका तनी भर कुछ कम अनुभव लगत हुए कब ये हर हम ये पूछ रहे हैं बार बार हमारे वहाँ आप कलम्बू लगा रहे हो एक बार अगर यहाँ स्कूल और से जय बोला केजरीवाल के सामने कहा पूरी ताकत वो लोग लगा चुके थे 70 सीट विधानसभा की है दिल्ली की 67 केजरीवाल ले गया आम आदमी पार्टी लोग जबकि पूरी ताकत गृह मंत्री जी सर्वश्रेष्ठ आदरणीय प्रधानमंत्री पूरी ताकत तीन ठुपोले रहने खराई छोड़ो खाद बताओ गलत बोलो थी एमसीडी में चुनाव हुआ हटा दिल फिर तो एमसीडी में चुनाव जीत गया बेचारा पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी कहती मैं वहीं था भैया समाजवादी अगर वो गलत करेंगे तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ मेरा कोई बपंसी नहीं है क्यों मतलब जे अच्छा है तमाम भाई बड़े अच्छा काम करे ओकरे साथे हम भाई अच्छा सब कहत रहे समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी बहुत करत रही ओकर सरकार में तो का लगत है कबाई की ना आई गुंडागर्दी होत रही समाजवादी सरकार में तनि आप बता दे बाबा जी की सत्ता में कौन चीज भेल खाली पंडितक तो दू एक दिन देखाओ खाती ठोको वही परी बुरा ना मानवादी खाती लेकिन बाबा जी से पूछा पंडित जी हूँ ठाकुर साहब हूँ काहे ऐसे कह रहे हैं भैया ये मुड़ रहा हूँ कि मुझे हर बात मत कहो बहुत कुछ जानता हूँ बहुत कुछ जानते हैं नहीं अब बतावा जी कि भाई अच्छा कौन विकास दुबे रहा ना कह देनी संगीरा में अगर बात दे हो गए ठीक बात है ना कौन दिक्कत ना अनुभव भाई माफियाओं पे सब पे जो माफिया उसके ऊपर बुलडोजर माफिया कहा कि आप ही तो प्यार करते बुलडोजर बाबा कहा जाता है अब आपके बताइए 26 गणतंत्र दिवस के सुबह अवसर पर मैं यही सबक धरती पर कार्यक्रम मुझे तो मेरे गुरु भी बैठे थे हम कहे गुरु जी ऐसा बात गावे कि जो केहू ने सुन ले हो यानी सुनल जाए एक लेखक एक प्रधानमंत्री ज्यादा हैसियत रखता जो राइटर होता लेखक कहा वो खड़ा बहन तो कहला कि क्या जानत रहा कि मोदी जी के जमाने में रहा बन जाई मंदिर हम कहे जा मतलब गुरु हो रहा था ना तू हर बचेती कह देता हट जाता है ऐसे तो गुरु हुआ तो हमें सुनाओ तो बड़ा मोदी जी ने रहा तो कह रहे पहले जब कोर्ट निर्णय किया तो उसमें मोदी जी क्या हक है यार लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि कोर्ट तो पहले भी था निर्णय अब आज भी लोग कहते हैं हमारे चाचा स्वयं बीजेपी के परम भक्त हैं एक दिन हमारे बांस हो गए कहना कि कहो तो हम गली तो कहना वो मुलायम सिंह गोली छलवा दे हम गली कहो कहना वो टाइम मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे मेरी बातें सुनिए हम गली वो तो यहाँ तक भैया लोगों को पता हो गाँव के पुराने लोगों को नाय तक रोकवा दिया था गाड़ी लेके सरों को बनावा अपने आप ही ईंटा ले जाता था बताओ उनकी क्या गलती है गाड़ी घोड़ा बंद करवा दिया बड़े की स्वागत है अभिनंदन बंदन में हम से लगाए बैठे हैं हम से लगाए बैठे हैं कल्याण बिछाना राहों में हम पलक बिछाए बैठे हैं कलाकारी के इतिहास खत्म हो जाए यहाँ पे हम चुनावी कवरेज कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि नारायणपुर गांव में जो संत कबीर नगर लोकसभा में क्या माहौल है फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।